बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था, शादी की तैयारियां की जा रही थी, घर में रखे करीब 1.25 लाख रुपए चोरी हो गए। इसकी शिकायत मागडोन थाने में की, लेकिन FIR तक नहीं लिखी जा रही है। यह बात पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे दंपत्ति ने एडिशनल SP आकाश भूरिया से शिकायत में कही। मागडोन शहर के निवासी दंपत्ति ने बताया कि हमारे घर में से 1,25,000 रुपए चोरी हो गए हैं। यह राशि उन्होंने रिश्तेदार और परिवार वालों से उधार लेकर अपनी बेटी की शादी के खर्च के तौर पर लिए थे। अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर पाएंगे? हमने मागडोन थाने में एक शिकायत की और परेशानी बताई, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है और FIR की कॉपी भी नहीं दी जा रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बताइए, आप दोनों कहाँ से आए हुए हैं और क्या पूरा मामला है, क्या समस्या बताइए। मैं मागडोन से आया और मागडोन नगर का आया। क्या नाम आपका? तो फिर क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या के लिए आया? तो थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, तो रिपोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अभी आज 1 महीना हो गया है, 10 दिसंबर की चोरी हुई थी, 10 दिसंबर के बाद में अभी आज 25-26 तारीख हो गई है, 5 तारीख हो गई है। वापिस मजदूर करते हैं, उनको मेरे कोई आसार नहीं दिख गया, कोई सुनवाई नहीं की जा रही, कोई छानबीन नहीं की जा रही, मतलब फोन नहीं, कैसे पकड़ूंगा मैं किसको? आरोप लगा मैं किसको? तो अभी जांच वगैरह नहीं की क्या? अभी जांच नहीं हुई कोई भी। कहाँ से आपने, आप लोगों ने किससे पैसे लिए, उधार लिए थे, क्या हुआ था? सर मैंने 3 जगहों से उधार लिए थे, मेरे जीजा से लिए थे, अच्छा मेरी बहन से भी लिए थे, और मेरे पालपुरी वाले हैं उज्जैन में, नगर में रहते हैं, उनसे भी उधार लिए थे। काहे के लिए लिए थे आपने? शादी के लिए, बड़ी भाई बड़ी बेटी की शादी। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बालिका है। फिर अभी शादी कैंसिल हो गई? शादी के लिए कभी ये मदद कर दें, कभी वो सुनवाई हो जाए हमारी, तो कभी मिल सके तो हो सकती है शादी में शादी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।